हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं आज एक नई वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट पर फ्रेंड्स हम बेसिकली लिस्टिंग्स कवर करेंगे। लिस्टिंग्स हम लोग दो तरीके से करते हैं, सिंगल लिस्टिंग एंड बल्क लिस्टिंग। इस वीडियो में हम लोग बल्क लिस्टिंग कवर करेंगे, और जो मैं इस वीडियो में लिस्टिंग्स कवर करूँगी वो क्लोथिंग की कैटेगरी की कवर करूँगी। बाकी अगर आप लोगों को किसी और कैटेगरी में भी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा कि हमने मीशो पे सिंगल एंड बल्क लिस्टिंग कवर की थी। धीरे धीरे अभी अमेज़न पे भी हम लोग लिस्टिंग्स कवर करेंगे, सिंगल एंड बल्क दोनों। आज आप लोगों के लिए बल्क लिस्टिंग है, देन इसके बाद जो वीडियो आएगी वो सिंगल लिस्टिंग की आएगी। बाकी आपके जो भी कमेंट्स हैं वो मैं कमेंट्स अच्छे से रीड कर रही हूँ, कॉस्ट को लेकर के, प्राइसिंग को लेकर के, और भी बहुत सारे कमेंट्स रहते हैं आप लोगों के, तो उन सब को भी हम लोग एक एक वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और जो भी लोग चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि हम यहाँ पर फ्लिपकार्ट के सेलर पोर्टल पे हैं, सेलर पोर्टल के होम पेज पे हैं, जहाँ पे आप लोगों को ऊपर की साइड कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। फर्स्ट आपको मिलता है होम, सेकंड लिस्टिंग्स, थर्ड इन्वेंट्री, एंड फोर्थ आपको मिलता है ऑर्डर्स, ठीक है। फिफ्थ पेमेंट, ग्रोथ, रिपोर्ट्स, एडवर्टीजमेंट, पार्टनर सर्विसेज, ये सारे हमें टैब्स ऊपर की तरफ मिलते हैं। लिस्टिंग्स करने के लिए फ्रेंड्स हम लोग जाते हैं लिस्टिंग्स में, एड न्यू लिस्टिंग्स में, तो यहाँ क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको एक नया टैब ओपन होगा जिसमें आप लोग देख सकते हैं हैव यूनिक प्रोडक्ट्स टू सेल, ठीक है। यहाँ से हम लोग ऐड सिंगल लिस्टिंग कर सकते हैं एंड ऐड बल्क लिस्टिंग्स कर सकते हैं। आज हम लोग बल्क लिस्टिंग कवर कर रहे हैं तो बल्क लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग बल्क लिस्टिंग पे क्लिक करते हैं तो आप लोग एक नए टैब पे पहुंच जाएंगे, जहां से आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन दिखता है सर्च ऑल कैटेगरीज, या फिर आप लोग ब्राउज़र कैटेगरीज में जाकर के भी अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट अपना जो भी आपका प्रोडक्ट है वो डालेंगे तो भी आपका सर्चेबल में आ जाएगा। जैसे कि मेरा ट्रैक पैंट है तो मैं यहाँ पे सिंपली ट्रैक पैंट सर्च कर लूँगी, या फिर अगर मुझे ब्राउज़र कैटेगरी के अकॉर्डिंग जाना है तो फर्स्ट क्लोथिंग, देन इसके बाद उसकी सब कैटेगरी कि आपको कौन सा है, जिम वेयर है, स्पोर्ट्स वेयर है, स्लिप वेयर है, जो भी आपका वेयर है वो यहाँ से आप लोग सर्च कर सकते हैं। या फिर आप जैसे बॉटम वेयर हो जाएगा, बॉटम वेयर में आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं कि कैप्री है, कार्गोज है, किड्स कैप्री है, जैगिंग्स है, जो भी आपका है आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मेरा ट्रैक पैंट्स है तो आप लोग देख सकते हैं ट्रैक पैंट्स। देन हमारे पास ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे ये आप लोगों को कुछ चीज़ें भी दिखाते हैं कि ट्रैक पैंट्स में ऐसे रिलेवेंट इमेजेस आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं, और सम इमेजेस आप लोगों को यहाँ पे ये भी दिखता है कि नॉट अलाउड इन ट्रैक पैंट्स, कि ट्रैक पैंट्स में कौन सी इमेजेस आपकी नहीं आएंगी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ब्रांड सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट ब्रांड करने के बाद फ्रेंड्स जो भी आपका ब्रांड नेम है वो यहाँ पे आप लोग सिंपली सर्च करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोगों को पता है कि जब भी हम कोई लिस्ट करते हैं तो उससे पहले हमें अप्रूवल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड वीडियो कवर कर दूंगी। तो अभी मेरे पास अप्रूवल है इसके रिगार्डिंग, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली अपना ब्रांड नेम सर्च करूँगी एंड देन उसको लिस्ट करूँगी, ठीक है। तो हम सेकेंड ऑप्शन पर हैं अभी, सेलेक्ट ब्रांड। थर्ड ऑप्शन आएगा हमारे पास एड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अभी यहाँ से हम लोग अपना ब्रांड सर्च करते हैं, जो भी आपका ब्रांड नेम हो वो यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन हम लोग यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं कि मुझे टिक का ऑप्शन मिल गया है, इट मीन्स कि यू कैन स्टार्ट सेलिंग अंडर दिस ब्रांड, मैं अपनी सेलिंग स्टार्ट कर सकती हूँ इस ब्रांड के अंडर। देन यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। तो फ्रेंड्स आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आप लोग देख सकते हैं अभी हम थर्ड ऑप्शन पे हैं,
एड प्रोडक्ट इन्फो, ठीक है। इसमें आप लोग क्रिएट योर कैटलॉग, हम अपने कैटलॉग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ना दो ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। फर्स्ट रहता है कि हम लोग डायरेक्ट यहाँ से अपलोड फाइल फोल्डर फ्रॉम योर कंप्यूटर से हम लोग इमेज डाल सकते हैं, और या फिर हम लोग अपनी एक्सेल शीट पे टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं, देन उसको फिल कर सकते हैं। तो जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो वो आप लोग कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे एक्सेल फाइल्स करूँगी आज, तो हम लोग एक्सेल फाइल डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्सेल फाइल पे, तो आप लोगों को दो ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट आपको मिलता है डाउनलोड टेम्पलेट एंड यहाँ पे अपलोड फाइल। तो फर्स्ट हम लोग डाउनलोड करेंगे, उसे फिल करेंगे, देन यहीं से उसको अपलोड करेंगे। तो डाउनलोड टेम्पलेट करते हैं। आपकी जो भी कैटेगरी रहेगी उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा, देन उसकी सब कैटेगरी या फिर डायरेक्टली वहाँ से सर्च करके आपका सेम ही प्रोसेस रहेगा। अब यहाँ पे हमारी जो टेम्पलेट है वो डाउनलोड हो चुकी है, इसे ओपन करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी टेम्पलेट डाउनलोड हो चुकी है। कुछ भी करने से पहले सिंपली आपको सबसे फर्स्ट जो करना होगा वो इनेबल एडिटिंग करना होगा। इनेबल एडिटिंग करने के बाद ही आप लोग यहाँ पर कुछ एडिटिंग कर सकते हैं, एंड अनेबल कंटेंट भी करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, तो अनेबल कंटेंट भी कर लेते हैं। तो दोनों चीज़ हमारी डन हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या रहता है, कुछ गाइडलाइंस रहती है, जर्नल गाइडलाइंस, कैटलॉग टेम्पलेट गाइडलाइंस, तो ये आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये फ्लिपकार्ट पे ही क्या, आपका कोई भी पोर्टल हो, अगर आप लोग वहाँ पे बल्क लिस्टिंग या सिंगल लिस्टिंग कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस होती है, उनका जो भी क्राइटेरिया होता है, चाहे वो इमेजेस को लेकर के, चाहे उनके एसक्यूज को लेकर के, या उनके कलर्स को लेकर के, तो वो आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि आपके पास किस पोर्टल पे क्या क्राइटेरिया है, ताकि आप लोग उसके अकॉर्डिंग अपनी लिस्टिंग कर पाओ और वो एक ही बारे में आपकी क्यूसी पास हो सके, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग कहाँ क्लिक करेंगे, हम लोग क्लिक करेंगे ट्रैक पैंट्स पे। यहाँ क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ हमारे पास कुछ फिल करने के लिए रहता है। फ्लिपकार्ट पे फ्रेंड्स आप लोगों को एक अच्छा ऑप्शन मिलता है कि आप लोग यहाँ पे अपनी फाइल पूरी कंप्लीट फिल करने के बाद में चेक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इससे क्या होता है कि आपका ना फास्ट वैलिडेट हो जाता है। इसके लिए आपको यहाँ पर शॉर्टकट कीज़ भी ये लोग बता देते हैं कि प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एस दबाना है आपको, जिससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि इस फाइल में कोई एरर है या नहीं है। तो ये भी ये सबसे लास्ट में करना होता है जब आपकी पूरी फाइल फिल हो जाए। स्टार्टिंग में तो अभी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन हमने भरी ही नहीं है, तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। आप लोग ऑप्शंस देख सकते हैं, सेलर एसक्यू आईडी है, ब्रांड है, साइज़ है, साइज़ मेजरमेंट यूनिट्स हैं, स्टाइल कोड है, पैटर्न है, आइडल फोर, कलर, फैब्रिक, ब्रांड कलर, ये सारे ऑप्शंस मेरे ट्रैक पैंट से रिलेटेड हैं। आप लोग जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। अब ये बात तो हो गई हमारी फ्लिपकार्ट टेम्पलेट की। एक चीज़ और जो कि मैं आप लोगों को लिस्टिंग के लिए बताती हूँ कि आपके पास एक मास्टर फाइल ज़रूर रेडी होनी चाहिए। कोई भी फाइल रेडी करने के लिए मास्टर फाइल एक आप लोगों के पास एक अच्छा ऑप्शन रहता है कि जिससे आप लोग बहुत ही फास्ट अपनी लिस्टिंग भी कर सकते हैं, और सेकंड हमारे पास गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, मीन्स हमारे पास एरर बहुत कम आते हैं उससे, या फिर कभी कभी आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन और करेक्ट इन्फॉर्मेशन भरी है तो एरर आता ही नहीं है, वो डायरेक्ट आपका क्यूसी पास हो जाता है और प्रोडक्ट लाइव हो जाता है। मास्टर फाइल से रिलेटेड कि उसमें URLs वगैरह कैसे बनाते हैं या क्या होता है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं मैंने भी एक मास्टर फाइल रेडी की हुई है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं मैंने बेसिक डिटेल्स यहाँ पे सारी फिल कर रखी हैं, जिसमें मेरा कलर है, प्रोडक्ट एसक्यूज़ हैं, प्रोडक्ट टाइटल्स हैं, साइज़ है, प्रोडक्ट के URLs मैंने यहाँ पे बना करके रख रखे हैं, देन आपके बुलेट पॉइंट्स, देन आपका जो भी डिस्क्रिप्शन या कीवर्ड्स, जो भी आप लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा रख पाओ अपनी एक्सेल फाइल में ज़रूर रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक ही कलर अभी सिलेक्ट कर रखा है। मल्टीपल कलर्स की अगर आप लोग मुझे बोलेंगे कि मल्टीपल कलर्स एक ही टेम्पलेट में हम लोग कैसे लिस्ट कर सकते हैं, उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। वैसे तो सिंपली बस यहाँ पे हमारा कलर चेंज हो जाएगा और कुछ कुछ चेंजेस होंगे, बाकी तो सब पैटर्न सेम ही रहते हैं। फिर भी अगर आप लोग को समझ नहीं आता तो आप लोग मुझे उससे रिलेटेड भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स एक चीज़ और,
कि अगर आप कभी भी किसी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं और उससे रिलेटेड अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, वो मैं पर्टिकुलर पॉइंट आपको बता दूंगी। अगर वो माइनर पॉइंट हुआ तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ही आंसर मिल जाएगा। अगर वो मेजर पॉइंट हुआ आपका कि उसके ऊपर मुझे एक वीडियो बनानी पड़ेगी, तो वो वीडियो के बिहाफ पे आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी हो गई मास्टर फाइल और ये हमारा हो गया फ्लिपकार्ट का टेम्पलेट। अब चीज़ें यहाँ पे हम लोग फिल करना स्टार्ट करते हैं। अब ये चीज़ आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं कि जो हमारा SQID है ना, सेलर SQID, उसमें टेक्स्ट जो हम लोग लिखेंगे वर्ड्स, उसकी एक लिमिट है कि हम लोग 64 करेक्टर्स ही यूज़ कर सकते हैं, इंक्लूडिंग उसमें हमारे स्पेसेस, जो हम लोग स्पेस देते हैं। जैसे हमने ब्रांड नेम लिखा, देन हमने स्पेस दिया, फिर हमने प्रोडक्ट लिखा, तो उसके बीच में जो हम एक स्पेस देंगे वो भी हमारा इंक्लूड रहेगा, मतलब उसे भी वन काउंट किया जाएगा। तो SQ आपका जो भी होगा वो 64 करेक्टर से अबव नहीं होना चाहिए, वरना आपके फाइल में एरर आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आप लोगों को गाइडलाइंस पता होनी चाहिए किसी भी पोर्टल पे लिस्ट करते टाइम। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे अपने सेलर SQIDs लिखेंगे। तो जैसे कि मैंने अपनी फाइल रेडी कर रखी है, यहाँ पर मेरे SQs बने हुए हैं। SQ में फ्रेंड्स मैंने जस्ट एक सिंपली साइज ऐड नहीं किया है, तो वो मैं फटाफट से कर लेती हूँ। ये हाँ, ये हम सिंपली एक फॉर्मूले के थ्रू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे साइज आ गया है, और इसी को अभी हम लोग ड्रैग कर देते हैं। ओके, तो मेरा यहाँ पे स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड एक्सेल सभी के साइजेस कंप्लीट हो गए हैं। तो हम सिंपली इसे यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा सेलर SQID कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट आता है आपका ब्रांड। तो जो भी आपका ब्रांड नेम हो वो यहाँ पर आप लोग मेंशन कर सकते हैं। तो अभी मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर वन लिख देती हूँ। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट रहता है वो रहता है साइज़। अब साइज़ में भी फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, क्लिक हेयर टू गेट अलाउ वैल्यूज़, और यहाँ पे जो हमें वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी ना, वो हमें ड्रॉप डाउन से लेनी पड़ेगी। ड्रॉप डाउन से अगेंस्ट अगर आपका कोई साइज़ वैसे होगा नहीं, बट अगर कोई है तब भी आपको ड्रॉप डाउन से ही वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी, क्योंकि विदाउट ड्रॉप डाउन ये वैल्यूज़ नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ से मैंने अपने साइजेस डाल दिए हैं। नेक्स्ट आता है आपका साइज़ मेजरिंग यूनिट्स, मीन्स आपका जो साइज़ है वो मेजर कैसे होगा, मीन्स रेगुलर, नंबर, UK, US एंड यूरो। तो हमारा जो होगा वो होगा, तो फ्रेंड्स मेरा यहाँ पे जाता है रेगुलर, तो मैं रेगुलर कर दूंगी एंड इसको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर दूंगी। फ्रेंड्स एक्चुअली ना थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क से ज़्यादा अच्छा रहता है कि हम लोग डायरेक्टली फर्स्ट पे फिल करें, और अगर हमारी सेम डिटेल्स है तो उसको हम ड्रॉप डाउन के थ्रू कर दें। क्योंकि अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, चार ही कॉलम्स फिल कर रहे हैं, चार एक प्रोडक्ट ही लिस्ट कर रहे हैं। बट जब आप 10-12 प्रोडक्ट्स एक साथ करेंगे तो मैन्युअली लिखने में आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा टाइम जा सकता है। नेक्स्ट आपका रहता है फ्रेंड्स स्टाइल कोड। स्टाइल कोड में ना आप लोग एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे साइज़ एंड आपका कलर नहीं आएगा। ठीक है, तो जो भी आपका SQ था उस पर आप लोग कलर एंड साइज़ हटा करके अपना स्टाइल ID लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे कलर मेंशन है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से पहले कॉपी करके यहाँ स्पेशल पेस्ट कर दूँगी। जिस भी फाइल पे फ्रेंड अगर स्पेशल पेस्ट आपका ले ना, तो वहाँ पर आप लोग स्पेशल पेस्ट ही कीजिएगा। मीशो फाइल पे स्पेशल पेस्ट नहीं लेते हैं, तो वहाँ पे आपको नॉर्मल पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने कलर यहाँ से हटा दिया है। नेक्स्ट आता है आपका पैटर्न, कि आपका पैटर्न कैसा है, जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, कि उस पर स्ट्रिप्स हैं, डिज़ाइन है, एम्ब्रॉयडरी है, प्लेन है, जो भी है आप लोग वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे अपना पैटर्न डालेंगे। तो मेरे जो अभी मैं लिस्ट कर रही हूँ वो प्लेन है, तो मैं यहाँ पे सॉलिड डाल दूंगी, और हम लोग इसी को नीचे तक ड्रॉप डाउन कर देंगे। नेक्स्ट आता है आइडल 4, कि ये किसके लिए है, मैंस, मैन, वुमेन या मैंस एंड वुमेन्स। तो मेरा मैन के लिए है। नेक्स्ट आता है आपका कलर,
अगर आपके यहाँ पे दो कलर हैं तो आप लोग दो कलर भी डाल सकते हैं, मेरा नेवी कलर है। नेक्स्ट आता है आपका फैब्रिक, तो यहाँ पे आपका फैब्रिक आ गया। ब्रांड कलर, नेक्स्ट आपका रहता है यूजेस। तो फ्रेंड्स एक चीज़ और कि ना यहाँ पे ड्रॉप डाउन नहीं है, तो वैल्यूज़ आप लोग कहाँ से लेंगे कि वो मतलब मेन इमेज आपके पास जो इस फाइल में एक्सेप्ट करे वो आप फिल कर रहे हो या नहीं, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इंडेक्स में जा सकते हैं। इंडेक्स में आप लोग देख सकते हैं जैसा कि साइज़ है, पैटर्न्स है, आइडल फोर, तो ये हमारे हमें अगर इनमें से हम कोई ऑप्शन भरते हैं वहाँ पर तो हमारी फाइल पे एरर नहीं आएगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने पैटर्न पे सॉलिड डाला था, तो ये भी यहाँ पे अवेलेबल है। आइडल फोर में मैंने मैन था तो ये भी यहाँ पर अवेलेबल है। कलर में मैंने नेवी डाला था तो नेवी यहाँ पर देखते हैं कि है या नहीं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे नेवी नहीं है, ठीक है, तो इस केस में हमारा वहाँ पे एरर आ सकता है। तो हम लोग नेवी से मिलता जुलता कलर डालेंगे या फिर हम लोग ब्लू डाल देंगे, तो देखते हैं पहले। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं डार्क ब्लू कर दूँगी वहाँ पे, फिर हम लोग अभी चेंज कर देंगे। तो यहाँ से हमने कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है, ये रहा आपका कलर। तो कंट्रोल वी कर देंगे। ब्रांड कलर में आप अपना नेवी डाल सकते हो क्योंकि यहाँ पे हमें एक पे हम लोग मेंशन कर सकते हैं। कलर में हमें वही डालना पड़ेगा जो वहाँ शो कर रहे हैं, बाकी ब्रांड कलर में हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब आता है यूजेस, तो इसके लिए देखते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शंस है यहाँ पर। यूजेस में देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ पे तीन चार ऑप्शंस हैं, मेरे पास स्पोर्ट्स वेयर, स्लिप वेयर्स, रेगुलर, हाइकिंग एंड जोगर्स। तो जो भी आपका ट्रैक पैंट है तो आप लोग यहाँ से देख करके डाल सकते हैं। तो मेरा रेगुलर, तो मैं यहाँ से रेगुलर डाल दूँगी। बस आप लोग यहाँ से चीज़ें उठाएंगे तो आप लोग को एरर फेस नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप लोगों को एरर आ सकता है, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन रहता है मेन इमेज यूआरएल, तो ये हमें मिलेगा अपनी मास्टर फाइल में। तो यहाँ से मैंने अपनी इमेज का यूआरएल यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे आता है अदर इमेज यूआरएल, तो जो भी आपके पास मेन इमेज के बाद कौन से यूआरएल्स बचते हैं प्रोडक्ट के साइड एंगल्स एंड जो भी एंगल्स आप लोगों के पास बच गए वो यहाँ पे आप लोग फिल कर देंगे। तो यहाँ पे फिल हो गया है। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे यूआरएल्स डल गए हैं। नेक्स्ट आपको जो फिल करना है वो रहता है आपका ग्रुप आईडी। तो जैसा कि हमारा ये पूरा ही एक ही कलर का है तो मैं यहाँ पे सब में ग्रुप वन ही डालूँगी, बाकी एक बार हम लोग इंडेक्स में चेक कर लेते हैं। तो ग्रुप आईडी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम लोग सिंपली वहाँ पे ग्रुप वन डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ग्रुप वन डाल देंगे एंड इसी को हम लोग ड्रॉप डाउन कर देंगे अपनी जहाँ तक हमारी लिस्टिंग्स हैं। साइज फॉर इन्वर्टिंग आप लोगों का ब्लैंक रहेगा, EAN UPS ये भी आपका ब्लैंक रहेगा। अब आपका आता है नेक्स्ट पैक ऑफ, कि आपका कितने नंबर्स का पैक है, पैक ऑफ वन है, पैक ऑफ टू है, पैक ऑफ थ्री है। तो मेरा पैक ऑफ वन है तो मैं वन डाल दूंगी एंड इसको अपनी जहाँ तक आपकी लिस्टिंग है आप लोग वहाँ तक फिल कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है क्लोज़अप, कि आपका जो क्लोज़अप है वो कैसा है। तो क्लोज़अप के लिए पहले हम लोग इंडेक्स में देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हमारे पास क्लोज़अप में वैल्यूज़ अवेलेबल हैं ये रहा, बटन है, स्ट्रिंग है एंड इलास्टिक है। तो मेरा जो है वो ड्रॉ स्ट्रिंग है, तो मैं इसे यहाँ से कॉपी करके सिंपली यहाँ पे स्पेशल पेस्ट कर दूँगी और इसी को हमारी जहाँ तक लिस्टिंग है हम लोग वहाँ तक फिल कर देंगे। पॉकेट्स, कि आपके पॉकेट्स है नहीं है जो भी आपका प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे टू पॉकेट्स हैं तो मैं टू पॉकेट्स कर दूँगी। फैब्रिक केयर, कि हमारे हम अपने प्रोडक्ट की जो भी हम लोग सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की जो फैब्रिक केयर है वो कैसे होगी।
तो फ्रेंड जो भी यहाँ पे फिल करने से पहले हम लोग इंडेक्स में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि फैब्रिक केयर से रिलेटेड कुछ है या नहीं। तो एक मिनट, तो हमारे पास यहाँ पे फैब्रिक केयर से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो जो भी आपको लगता हो कि आपका प्रोडक्ट मशीन वॉश है या हैंड वॉश है, जो भी आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हैंड वॉश डालूँगी और इसी को हम लोग नीचे तक फिल कर देंगे। तो फ्रेंड्स, राइज, हिप, थाई, ये आपका सब ब्लैंक रहेगा। वेस्ट साइज़ अगर आप लोगों के पास आप लोगों को पता हो, तो मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता हो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। अदर कोई डायमेंशन है आप लोग वो डाल सकते हैं, अदर कोई डिटेल है वो डाल सकते हैं। सेल्स पैकेज में आपका क्या जाएगा वो आप लोग डाल सकते हैं। अदर डिटेल्स में फ्रेंड्स आप लोग अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी डाल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ना कुछ बुलेट पॉइंट्स रेडी कर रखे हैं, तो ये रहे वो बुलेट पॉइंट्स। तो हम लोग इसमें से कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं ये वाला डाल देती हूँ, ठीक है। और जहाँ तक हमारी लिस्टिंग है वहाँ तक लिख देते हैं। तो सेल्स पैकेज में आपका क्या पैकेज जाएगा, तो जैसे कि मेरा लोअर जा रहा है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 1 पैक ऑफ ट्रैक पैंट, ठीक है। और इसी को हम लोग ड्रॉप डाउन कर देंगे जहाँ तक हमारी लिस्ट है। डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स आप लोगों का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा प्रोडक्ट से रिलेटेड ही। तो ये रहा मेरा डिस्क्रिप्शन, और इसको ड्रॉप डाउन कर देंगे, ठीक है। सर्च कीवर्ड्स में फ्रेंड्स आपके प्रोडक्ट के जो भी सर्च कीवर्ड्स हैं, मतलब कौन कौन किस कीवर्ड से वो सर्चेबल हो सकता है, वो आप लोग यहाँ पे डालेंगे। पेंट्स, ठीक है। और मैं डाल सकती हूँ लोअर्स, मैंस ट्रैक पैंट्स, ये आप लोग फ्रेंड्स बाद में भी अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर फाइल के थ्रू कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग मास्टर फाइल में ही रेडी करके रखें और सारी चीज़ें यहाँ फिल कर दें। और यहाँ पे इसको ड्रॉप डाउन में जहाँ तक आपकी लिस्टिंग्स हैं वहाँ तक आप लोग इसे कर देंगे। की फीचर्स में फ्रेंड्स आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड ही आता है, तो मैं अभी के लिए इसे ब्लैंक छोड़ रही हूँ। वीडियो, अगर आपके पास कोई वीडियो का URL है तो आप लोग यहाँ वो डाल सकते हैं। आपके प्रोडक्ट की कोई डोमेस्टिक वारंटीज़ वगैरह है तो वो यहाँ पे आप लोग मेंशन कर सकते हैं। इंटरनेशनल वारंटी, वारंटी समरी, वारंटी सर्विस टाइप, कवर्ड इन वारंटी, क्या क्या कवर हो रहा है, नॉट कवर्ड, एक्सटर्नल, तो मतलब जो भी आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन हो अगर तो आप लोग फिल कीजिएगा, अदरवाइज उसे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। ट्रेंड में हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इंडेक्स में कुछ है या नहीं। तो इंडेक्स पे जाएंगे एंड ट्रेंड को पहले सर्च करते हैं कि हमारा ट्रेंड कहाँ पर है। ये रहा हमारा ट्रेंड। तो अगर इससे रिलेटेड आपके पास कुछ है तो आप लोग डाल सकते हैं। तो मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ पे कुछ भी मैच नहीं हो रहा है तो मैं कुछ नहीं डालूँगी। नेक्स्ट आपका आता है सेकेंडरी कलर। तो मेरे प्रोडक्ट में कोई सेकेंडरी कलर नहीं है, मेरा पूरा जो लोअर है वो एक ही कलर का है, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं डालूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी यहाँ पे फाइल पूरी कंप्लीट हो गई है। जितनी भी डिटेल्स मुझे मेरे प्रोडक्ट के रिलेटेड पता थी मैंने वहाँ पे यहाँ पे सब की सब फिल कर दी हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी इसी के साथ पूरी फाइल कंप्लीट हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले तो सेव कर लेंगे एक्सेल पे ही। तो उसके लिए आप लोग सेव कर लीजिए अपने फाइल को, ठीक है। देन हम लोग जाएंगे अपने फ्लिपकार्ट पेज पे। तो ये हम आ गए अपने फ्लिपकार्ट के अकाउंट पे, ठीक है, सेलर पोर्टल पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने डाउनलोड किया था एंड अब हम यहाँ से अपलोड कर देंगे। तो अपलोड फाइल पे जाएंगे एंड जहाँ पे भी आपकी फ़ाइल रखी हुई है वहाँ पे आप लोग सेलेक्ट करके इसको अपलोड कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी फ़ाइल अपलोड हो गई है और अभी जो हमारी फ़ाइल है वो इन प्रोग्रेस में है। तो अगर आपकी फ़ाइल में कोई भी एरर आता है तो वो आपको यहाँ पर मेंशन कर जाएगा फील्डेड एरर्स में। तो अभी हमारी इन प्रोग्रेस में है, तो जो भी आंसर आएगा आप लोगों को वहाँ मेंशन कर जाएगा अपनी लिस्टिंग के नीचे कि आपकी लिस्टिंग पास है या फेल। तो आई होप गाइज आप लोगों को क्लियरली समझ आ गया हो कि आप लोगों को फ्लिपकार्ट सेलर पोर्टल पे बल्क लिस्टिंग आप लोग कैसे कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए आप उसके लिए
कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो जब तक के लिए हेल्थी रहिए, सेफ रहिए एंड एंजॉय करते रहिए।